हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पेक्टेकुलर आर्ट्स। माय नेम इज़ आर के गौतम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा ऑफिशियल पेज है। आज के इस वीडियो में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का जो हमारा चैप्टर 6 है, द्वितीय क्रियाएं, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पहले के 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो पढ़ना है, वो पहला जो क्लासिफाई करेंगे वो है साइज़ के बेसिस पर। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो इनपुट रॉ मटेरियल की, वहाँ पर किस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जा रहा है। और सेकंड जो है वो आउटपुट प्रोडक्ट की, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो ओनरशिप के बेसिस पर कि कितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो इंडस्ट्री को मैनेज कर रही है। चलिए तो एक एक करके सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, जो क्लासिफिकेशन होता है जो बेस्ड होता है वो पहला तो कैपिटल इन्वेस्ट कितनी करी गई है पूंजी के बेसिस पर। दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, किस स्केल पर प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है या कम होता है, इसी के बेसिस पर क्लासिफाई करा जाता है इंडस्ट्रीज़ को। पहला जो है वो हाउसहोल्ड और कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तीसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। चलिए तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज, इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। पहला ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यहाँ पे जो आर्टिशंस होते हैं वो लोकल रॉ मटेरियल सिंपल टूल्स का जो यूज़ करके एवरीडे गुड्स को अपने घरों पर फैमिली मेम्बर्स का इस्तेमाल करके या पार्ट टाइम लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड गुड्स को जो है बनाते हैं। जो फिनिश्ड गुड्स हैं या तो घर के कंजम्पशन, घर में यूज़ करने के लिए या सेल करने के लिए, लोकल मार्केट और बार्टर का यहाँ मतलब है वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु लेने का। फोर्थ है कैपिटल ट्रांसपोर्ट, जो है इसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ये एक लोकल रीजन में ही, एक अब छोटे से एरिया में ही सेल करने के लिए बनाए जाते हैं या घर में यूज़ करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, कमर्शियल सिग्निफिकेंस, वो बहुत लो है। और जो टूल्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो लोकली आराम से मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें फूड स्टफ, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, फर्नीचर, शूज़, ज्वेलरी, ये सब बनाया जाता है। जैसे ये मैट हो गया, ये सब जो है ग्रुप में बनाते हैं फैमिली मेम्बर्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट जो है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं या इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप। इसमें जो ये दो हैं, दोनों कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिमिलैरिटी मिलती है। इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन टेक्निक्स होती हैं और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका जो वर्क प्लेस होता है वो घर या कॉटेज से बाहर होता है। इस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है और इसमें जो सिंपल पावर की मशीन्स जो हैं यूज़ करी जाती हैं, सेमी स्किल्ड लेबर होती है और ये जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और लोकल परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं, जो जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अच्छा जो हैं अपने रीजन्स में डेवलप करती हैं लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को, जो कि प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट उनके पॉपुलेशन को। नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो है लार्ज स्केल पर जो है लार्ज मार्केट्स, वेरियस रॉ मटेरियल्स, इनॉर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज वर्कर, एडवांस टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन प्रोडक्शन, लार्ज कैपिटल से मतलब है बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है, पावर कंजम्पशन होता है। और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के जो डेवलप है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये कम से कम जो 200 साल पहले जो है डेवलप हुआ है। जैसे कि जो पुराने रीजन्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो गया, जैसे UK हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न USA हो गया, यूरोप हो गया, अब ये जो है डिफ्यूज़ हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो है ये फैल चुके हैं।
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो हैं दो तरह के रीजन्स होते हैं, हम क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स, जो कि पहले से ही डेवलप हो चुके हैं, पहले से ही डेवलप हुए हैं, जो जैसे कि थिकली क्लस्टर्ड व्यू जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिलते हैं, और जो हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो डिफ्यूज्ड हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। नेक्स्ट जो है हमारा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल, इसका क्लासिफिकेशन है, पहला है एग्रो बेस्ड, सेकंड है मिनरल बेस्ड, थर्ड है केमिकल बेस्ड, फोर्थ है फॉरेस्ट बेस्ड एंड फिफ्थ है एनिमल बेस्ड। चलिए तो एक एक करके सबको समझते हैं। पहला एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डायरेक्टली जो प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल है जो फील्ड से और फार्म से जहाँ पर खेती या उत्पादन किया जाता है उगाए जाते हैं वहाँ से डायरेक्ट लेकर इनको फिनिश गुड्स रूरल और अर्बन मार्केट्स के लिए जो है बनाते हैं। इसमें जैसे कि हो गया फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बीवरेजेस एंड स्पाइसेस का जो उत्पादन इसमें शामिल होता है। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है इसका टेक्निक्स होती हैं जैसे ड्राइंग हो गया, फर्मेंटिंग हो गया, पिकलिंग हो गया, एक तरह का प्रोसेस है जो कि पहले से ही चला आ रहा है, एंशियंट टाइम से ही चल रहा है। और एग्री बिजनेस का मतलब है कमर्शियल फार्मिंग, जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर जो इंटरेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर से हटकर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टी प्लांटेशन, इसमें जो है मैकेनाइज्ड फार्म होते हैं, लार्ज साइज होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, रिलायंट ऑन केमिकल्स, इसमें केमिकल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसको जो है एग्रो फैक्ट्रीज भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे कि देख सकते हैं फेरस मेटेलिक मिनरल्स, जो कि कंटेन करती हैं आयरन, स्टील, और कुछ इंडस्ट्रीज हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री होगी, पोटरी इंडस्ट्रीज होगी। नेक्स्ट है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल केमिकल्स मिनरल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम इसको कहते हैं, जो यूज़ होती है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, पोटैश हो गया, ये इंडस्ट्रीज जो हैं यूज़ करती हैं नेचुरल मिनरल्स को। ये जो बेस्ड होती हैं रॉ मटेरियल्स जो कि ऑब्टेन होता है वुड से और कोल से, इस पर भी जो है बेस्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स को जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करे जा सकते हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री में, और वुड, बैम्बू, ग्रास जो कि पेपर इंडस्ट्री में जो है, लैक, लैक का मतलब है चमड़ा, जो कि जैसे बेल्ट हो गया, जैकेट्स हो गई, लेदर जैकेट्स हो गई, और शूज़ बनाने में काम आता है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें कि जो है जो जानवरों से जो है उनकी स्किन जो है निकाली जाती है और इसका जो है लेदर में इस्तेमाल किया जाता है, वूल जो है वूलन टेक्सटाइल्स में, और आइवरी जो है वो एलिफेंट टस्क से मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट, ये जो है इंडस्ट्रीज जो है मशीन्स, टूल्स और एनी अदर जो प्रोडक्ट हैं फर्दर यूज, जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री ने कोई प्रोडक्ट जो है वो बनाया या टूल्स बनाए, उसी टूल्स का इस्तेमाल कोई और इंडस्ट्री जो है इस्तेमाल करती है, इसको उस इंडस्ट्री को कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बना बोलते हैं। और जो इंडस्ट्री जिसने फर्स्ट जो टूल्स या मशीन्स या जो भी प्रोडक्ट है वो बनाया और यूज़ किया गया दूसरी इंडस्ट्री का, तो जो पहली इंडस्ट्री है उसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं, और जो दूसरी इंडस्ट्री है जिसने यूज़ कराया उसको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस जो हैं वो तीन तरह के क्लासिफिकेशन है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तीसरा है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो ओन और मैनेज करी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो मेनली हैं जैसे कि सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं जहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वर्क करती है वहाँ पर मेनली देखने को मिलती हैं, जहाँ पर जो इकोनॉमी है स्टेट कंट्रोल्ड होती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं USSR। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो जहाँ पर
ओन और मैनेज करी जाती हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, ये जो हैं जो मेनली फाइंड होती हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज में। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो मैनेज एक जॉइंट स्टैक, मतलब कंबाइंड दो चार कंपनीज या दो चार मतलब इन्वेस्टर्स द्वारा जो है वो मैनेज करी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलकर भी इसको कंबाइंडली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। ये जो रीजन्स हैं वो हैवी इंडस्ट्री पर बेस्ड हैं, क्योंकि जो कि लोकेटेड होते हैं नियर कोल फील्ड्स के। ये जो मेली हैं इंगेज होती हैं मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन में जो है मेली इन्वॉल्व होते हैं। और इनको जो है स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। हाई प्रोपोर्शन जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो, और हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग होती है। जैसे कि अब एक इंडस्ट्रियल रीजन है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा तो लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे रहने आएंगे, इसी वजह से जो है वहाँ हाउसिंग डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और पुअर सर्विसेज होती हैं क्योंकि अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट जो है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, वेस्ट हीप्स हो गए और सीवर डिस्पोजल हो, ज़्यादा गंद एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे हो जाता है। प्रॉब्लम्स होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऊपर कहा गया है कि जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता और जो अनअट्रैक्टिव एनवायरनमेंट की वजह से लोग जो है इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन का मतलब है लोग इस जगह से किसी और जगह जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। और डेरिलिक्ट लैंड एरियाज जो हैं वो हो जाते हैं क्लोजर ऑफ मैन्युफैक्ट्रीज की वजह से वो वीरान जगह पड़ जाती हैं। और वर्ल्ड वाइड जो है इन रीजन्स की जो है डिमांड, लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो रूहर कोल्ड फील्ड, जो कि जर्मनी का एक मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, जो कि बहुत टाइम से एक बहुत बड़ा यूरोप का एक इंडस्ट्रियल रीजन रहा है। ये मेनली बेस्ड है कोल, आयरन और स्टील पर, बट जो इसकी डिमांड है कोल जो है वो डिक्लाइंड हो चुकी है और आयरन जो है आयरन ओर जो कि एग्जॉस्ट हो चुका है यूजर्स की वजह से, ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है, इसीलिए जो है ये इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो श्रिंक हो रहा है। अब जो है वो इंडस्ट्री जो है वो ओनली जो है इम्पोर्टेड, क्योंकि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल क्योंकि वाटरवेज द्वारा जो है रूअर तक पहुंचाया जाता है उस पर बेस्ड हो गया है। रूअर रीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन जो है वो रूअर रीजन में होती है। और इसके जो चेंजेस हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में उसकी वजह से जो है वो एरियाज में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, डिके हो चुके हैं बहुत सारे रीजन्स। और कुछ रीजन्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। और जो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी है रूअर की, अब बेस जो है प्रोडक्ट्स जो कि कोल और स्टील पर जो है बेस्ड अब बहुत कम हुआ है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इन्हीं तीन चीज़ों पर थी। अब जो रूहर न्यू रूहर बन चुका है, जहाँ पर कि कार प्लांट्स, न्यू केमिकल प्लांट्स एंड यूनिवर्सिटी जो हैं अब आ चुके हैं और शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो वहाँ पे सेटअप हो चुके हैं, इसीलिए उसको रीजन्स को न्यू रूहर रीजन बोला जाने लग गया है। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।